हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनआईटी की तरफ से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें 12th पास है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास, एनी ग्रेजुएट पीजी, अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बाहर के कैंडिडेट हैं दूसरे स्टेट के और एप्लीकेशन डालने के लिए अगर एलिजिबल होते हैं, एज क्राइटेरिया वगैरह मीट होती है तो आप एप्लीकेशन बाहर से भी डाल सकेंगे। पूरी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी है। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट, जिसमें टोटल 19 पोस्ट हैं, ग्रुप सी है और 5200 से लेके 20200 पे बैंड, अ ग्रेड पे 2000 रुपीज़ है। इसमें जो एज लिमिट है वो है अपर एज लिमिट 27 ईयर्स और इसकी जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, मीन्स 12th पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास होना चाहिए, विद अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। तो वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट आना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और इसमें 19 पोस्ट हैं। इसमें जो एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रोमोट्स। तो ये प्रोमोशन के लिए अलग से बोला गया है, वो अपने यूज के लिए है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए फिर दूसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन में जो बीटेक कैंडिडेट्स हैं या फिर डिप्लोमा है, तो सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट इन हेवी स्ट्रक्चर है जिसमें बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इन वाटर रिसोर्स है जिसमें बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। फिर टेक्निकल है तो इसी तरीके से है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और डिप्लोमा या फिर फर्स्ट क्लास बीटेक है। इलेक्ट्रिकल नज़र आ रहे हैं मुझे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बीटेक या डिप्लोमा। कुछ पीजीडीसीए वाले कैंडिडेट्स के लिए भी को भी डाला गया है डिज़ायरेबल में। और इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, तो ये सारे हैं स्पेशलाइजेशन, आप चेक कर लें। तो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से। तो जो एक पोस्ट मैंने आपको बताई कि टेक्निकल असिस्टेंट 19 पोस्ट है, पटना मींस बिहार स्टेट में है, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है एनआईटी। एनआईटीज के बारे में हम जानते हैं, तो एनआईटी पटना बिहार में, वहाँ से नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आई है लेकिन मुझे मिली नहीं। फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस लिख दिया यहाँ पर, तो 7th सीपीसी पे बैंड 1, ये सैलरी देखिए, अभी 7th सीपीसी में जो भी है सैलरी अच्छी बनती है, 32 से लेके 35, 38, 40,000 तक आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनिशियल स्टार्टिंग, और बाद में सैलरी बढ़ती रहेगी। डीएनएस अलाउंस बढ़ते हैं साल में 2 बार, फिर सैलरी इंक्रीमेंट बेसिक में होती है हर साल ईयर एंड पर। ऑनलाइन पोर्टल ओपन रहेगी 24 फरवरी से लेके 23 मार्च 2022 तक। तो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स लिखा हुआ है लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ 12th नज़र आया, कॉमर्स तो ऐसा लिखा हुआ नहीं था, नॉर्मल 12th, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से 12th। फिर भी एप्लीकेशन डालने के पहले आप ज़रूर चेक कर लें। फ़ी के लिए अगर आपको चेक करना है तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़ एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल कैंडिडेट्स को फ़ी एग्जम्प्ट की जाती है या थोड़ी कम रहती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करेंगी उस कैटेगरी के हिसाब से आपको फ़ी पे करनी होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्क्रीनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड मे बी डन टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू द बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि एनआईटी में काफ़ी एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो पहले वो स्क्रीनिंग करेंगे और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने ऊपर मेंशन नहीं किए, थर्ड पॉइंट में देख लेते, इट मे कंसिस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट। तो
एक टेस्ट हो सकती है स्क्रीनिंग के लिए, या फिर स्किल टेस्ट हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, द डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड ऑन द इंस्टीट्यूट, मतलब अभी जो भी टेस्ट होना है, जो भी होना है, ये आपको फिर अपडेट मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, NIT पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप बार बार चेक करते रहें अगर आपने एप्लीकेशन डालनी है। अब ये जो इसमें कॉमर्स तो नहीं लिखा था, अकाउंट्स है, लेकिन नॉर्मल ट्वेल्थ वाले कैंडिडेट, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई भी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं क्योंकि परमानेंट रेगुलर पोस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये NIT पटना की ऑफिशियल वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया नीचे की तरफ, एक और एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आने वाली है, अपडेट नहीं हुई है, तो मैं वो चेक कर रही थी, मुझे कुछ और अपडेट मिल गई, तो एक और आने वाली वो भी हम करेंगे। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इंस्ट्रक्शन पर आप क्लिक जब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इंस्ट्रक्शंस को समझ लेने के बाद फिर आप जब नीचे सबसे नीचे आते हैं, क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पर फिर ऑनलाइन फॉर्म के लिए एक बार क्लिक करके देखते हैं कैसे ओपन हो रही है। तो यहाँ पर फिर आपको ईमेल एड्रेस से आपको फिर OTP आएगी वगैरह, तो इसके पहले, ये सब करने के पहले आप जो है स्टेप्स को क्लियरली समझ लें। और क्लिक हियर टू फॉर पेमेंट लिंक, पेमेंट की लिंक भी अलग से दी हुई है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने विकिपीडिया से ली हुई है तो ऑथेंटिक होगी, लेकिन जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन फी पे कर रहे होते हैं, तो पहले अपने लेवल से जो ऑथेंटिसिटी है वेबसाइट की वो ज़रूर जांच लें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ विकिपीडिया से लूँ, ऑथेंटिक ही होती है, फिर भी आप जब आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी डेटा शेयर कर रहे हैं, अपने पैसे पे कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से ज़रूर जांच लें, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट्स अभी आ गए इंटरनेट पर, तो बिल्कुल सिमिलर या सेम दिखते हैं, तो इसलिए इसकी लिंक मैं अपने वीडियो के, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करें, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक स्क्रॉल डाउन करने से लिंक आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिखा हुआ है, बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से ST SC कैंडिडेट या बाकी OBC या जो भी और कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, तो वो दी जाएगी यहाँ पर भी। पेज नंबर 6 पर एक हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है टू ऑनलाइन फी एंड फॉर्म सबमिशन, तो आप पहले इस पर कोई इशू अगर हो रही है तो ये ईमेल आईडी दी हुई है पॉइंट 6 पेज नंबर 6 पर 38 पॉइंट पर, इसको आप ईमेल आईडी को नोट डाउन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये पूरी अच्छी तरीके से पढ़ें। और इसमें लास्ट में यहाँ पर लिखा है एक और चीज़, एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रेलिवेंट एनक्लोजर एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट शुड रीच ए रजिस्ट्रार, तो ये आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आपको भेज देनी है आपकी एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन करनी है और साथ में ऑफलाइन मोड में भी एप्लीकेशन करनी है, फिर भी आप पढ़ लें और क्या है इसमें डिटेल्स। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।